स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्निंग इनसाइट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से वैकेंसी आया है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 15 है एंड डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में वैकेंसी है एंड 30,000 आपका सैलरी रहेगा यहाँ पे पर मंथ। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में फिलहाल पोस्ट के बाद ये एक्सटेंड होता रहता है हमेशा। एंड पुशन अभियान से ये वैकेंसी आया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप डालो, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जॉब है तो शॉर्ट लिस्टेड होने का चांस रहता है, इंटरव्यू में बुलाने का चांस रहता है आप लोगों को। तो फ्रेशर्स लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट बोला है, कोई भी ग्रेजुएट डाल सकते हैं, बट सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क एंड देन मैनेजमेंट, इन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे फॉर्म डाल सकता है। सो बेसिकली डिटेल्स में देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट को। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए ओपन कैटेगरी है। सो दो वैकेंसी है, 30,000 पर मंथ सैलरी रहेगा। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सभी लोग डाल सकते हैं या तो सिंपल ग्रेजुएट होने से भी यहाँ पे डाल सकते फॉर्म। नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए ओपन कैटेगरी है, दो वैकेंसी, 18,000 सैलरी है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैनेजमेंट, सोशल साइंस और न्यूट्रिशन, ये लोग डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल है, बाकी नहीं होने से भी आप डाल सकते हो। डिजायरेबल में देख लेना क्या क्या है आप लोगों के लिए। देन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए जो वैकेंसी है वो मल्टीपल रिजर्वेशन है यहाँ पे। देन सेवन पोस्ट है यहाँ पे पर मंथ 20,000 सैलरी दिया जाएगा। ग्रेजुएट लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, बाकी एक्सपीरियंस यहाँ पे एंड डिजायरेबल में आप लोग देख लेना। देन यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल पोस्ट जो है वो 11 था यहाँ पे। एंड जो ये वैकेंसी आया है उसका भी डिटेल्स देख लो। वैकेंसी जो आया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा से वैकेंसी है। सो बेसिकली यहाँ पे एज जो है 25 to 45 ईयर्स तक एज लिमिट है एंड रिलैक्सेशन दिया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। एंड आपका जो यहाँ पे एज रिजर्वेशन, आपका लास्ट जो रहने वाला है वो है 30 जून। 30 जून के पहले आप लोगों को फॉर्म डालना है। वेबसाइट में डिटेल्स मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, जितना भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको देना है एंड फॉर्म फिलअप करके उसके साथ में इस एड्रेस में देना है ऑन और बिफोर 30 जून। 30 जून यहाँ पे आप 9 बजे से लेके 5 बजे तक रिसीव भी करेंगे वर्किंग डेज में, तो यहाँ पे डायरेक्टली जाके भी दे सकते हो, बाई पोस्ट भी दे सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को साइन चाहिए। एंड इंटरव्यू देने के लिए एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर फॉर वन पोस्ट ओनली। अच्छा, एक एप्लीकेशन एक पोस्ट के लिए है। अगर दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन दो एप्लीकेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। कोई रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला, यहाँ पे इंटरव्यू होगा आपके लिए एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको, इंटरव्यू के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट सभी लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सो फिलहाल यहाँ पे और कुछ अपडेट नहीं है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके एंड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप लोग देख लेना, रेगुलरली वेबसाइट विजिट करना, ताकि आपको शॉर्टलिस्टेड हुए तो आप इस इन्फॉर्मेशन भी इस वेबसाइट में मिल जाएगा। सो फिलहाल और कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। सभी डिस्ट्रिक्ट से, सभी स्टेट से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से वैकेंसी आ रहा है। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कर दो एंड